जो बंदा वैसे ही खराब है ना, शैतान कहता है ये ऐसे ही ठीक है, ये बंदा ऑटो पायलट पे है, ये अपने लिए खुद ही काफी है, ये अपने नफ्स का पुजारी है, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, ना छेड़ मलंगा नो, वो उसको नहीं छेड़ता। लेकिन वो छेड़ता किसको है? वो छेड़ता उसको है जो अल्लाह की राह पे आना शुरू करता है। तो ये आप में से जितने लोग यहाँ पे अभी आए हुए हैं ना, समझ लें कि शैतान को मसला आपके साथ है। चोर चोरी कहाँ करता है? जहाँ पे कोई माल होता है। चोर उस घर में चोरी नहीं करता जहाँ उसको पता है माल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से शैतान जो है वो उस दिल पर हमला करता है जिस दिल में क्या होता है? ईमान होता है। जिस दिल में ईमान नहीं है वहां पे हमला करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बंदा अपने लिए खुद काफी है। हम यही दुआ करते हैं, अहदना सिरातल मुस्तकीम। हम कह रहे हैं या अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम पे डाल दे। शैतान कह रहे हैं आओ बिस्मिल्लाह करके मैं उधर ही बैठा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं, और तुम्हें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें यहाँ से मैं ऑफ ट्रैक कर दूं। थोड़ा सा तुम दीन की तरफ आओगे मैं तुम्हारे ऊपर एक वार करूंगा और तुम्हें ऑफ ट्रैक करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए जब आप दीन के ऊपर आते हो ना, तो समझ लो कि आपके ऊपर हमले शैतान के ज्यादा तेज हो जाते हैं। इसलिए आपको ये नहीं कि आप डर जाएं और कि छोड़ो फिर दीन पे आते नहीं है। नहीं, आना तो है, जाहिर सी बात है, हमने नेक होना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मी काफ्फा वला तत्तबियु खुतुवात शैतान। ऐ ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलना। तो आना तो हमने है दीन पर, लेकिन ये याद रखें कि हमारा डिफेंस और स्ट्रांग होना चाहिए कि बस अब जो है ना वो हमले शुरू हैं। इब्लीस जो है, वैसे तो वो बहुत नेक बनता था कि जी मैं बहुत इबादत गुजार हूँ, मैं तो बहुत ही फर्मा बरदार हूँ, लेकिन जब उसकी मर्जी के खिलाफ कोई चीज हुई है तो अब उस पर वो अल्लाह ताला की बात नहीं मानना चाहता। हालांकि पहले भी उसका दावा तो यही था कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। अब अल्लाह ही हुक्म दे रहे हैं कि कोई ऐसा काम करो जो तुम्हें पसंद नहीं है। तो जब अल्लाह ताला की इबादत की जाती है तो इंसान कहता है या अल्लाह समय ना वाताना, मुझे वो चीज पसंद हो या ना पसंद हो, अगर आपका हुक्म आ गया तो बात खत्म हो गई। अब नमाज चाहे जितनी आपको मुश्किल लग रही हो, सुबह फजर के टाइम उठना पड़ेगा। खास तौर पे सर्दियों के मौसम में जब इंसान अपने बिस्तर में होता है, कोजी होता है, और फिर आपको दिमाग में ख्याल आता है कि मैं अभी उठूंगा, बिस्तर से बाहर निकलूंगा, ठंड लगेगी, बाथरूम जाऊंगा, वजू करूंगा, पानी भी ठंडा है, गर्म पानी भी नहीं आ रहा, तो मुश्किल तो होती है, लेकिन फिर इंसान फिर भी करता है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, बात खत्म हो गई। इसके आगे फिर कुछ बहस करने की जरूरत रहती नहीं है। लेकिन इब्लीस जो है वो जब तक तो आसान आसान चीजें हो रही थी तब तक तो वो बहुत ही कमाल दर्जे पर फायज था, लेकिन जैसे ही उसकी अपनी अथॉरिटी चैलेंज हुई तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसका जो अंदर का तकब्बुर था वो बाहर आ गया। अब ये इब्लीस की दुआ है। उसने जाने से पहले कहा कि अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दी जाए क़यामत तक के लिए। मैं सिराते मुस्तकीम पर इंतजार करूंगा तेरे इन्हीं बंदों का, और क्या करूंगा वहां पे मैं इनके आगे पीछे दाएं बाएं से आऊंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और ये ज्यादातर तेरे नाशुकरे निकलेंगे। इब्लीस जो है ना इंतहाई बचगाना हरकतें कर रहे हैं कि वो जो होता है ना कि जब एक बच्चा जो है वो आउट हो जाए क्रिकेट में तो कहते हैं नहीं मैं आउट नहीं हुआ, या वो जो है ना विकेटें तोड़ देता सारी। उसको तो पता है वो जहन्नम में जा रहा है, लेकिन वो कह रहा है अल्लाह ताला को कि या अल्लाह मुझे तू मोहलत दे, मैं तेरे सामने ये बात साबित करूंगा कि ये मेरे से बेहतर नहीं थे। क्योंकि मुझे ये कहा जा रहा है कि आदम ये नया आया है यहाँ पे कोई, इसको मैं सजदा करूं, इसके आगे ताजीम मैं करूं, क्यों करूं? मुझे तूने आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया, मैं क्यों सजदा करूं इसके आगे? हालांकि तुम बेहतर जानते हो या अल्लाह बेहतर जानता है जिसने पैदा किया? तो यकीनन अल्लाह बेहतर जानता है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है, लेकिन जो भी है वो बुराई क्यों ना हो, हुक्म अल्लाह दे रहे हैं कि सजदा करो तो सजदा करो, बात खत्म। अब इसमें इफ और बट का मामला रहता ही नहीं, अल्लाह ने हुक्म दे दिया तो बात खत्म होगी। और ये कि अल्लाह ताला डायरेक्ट हुक्म दे रहा है।